सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आज मैं सनोरी कथुरानी और मैं रक्षिता त्रिवेदी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर लिटिल क्लब की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का पुल बनकर उभरी है। हमारे माता पिता एवं शिक्षकों की रक्षा करें, हमें आशीष दें, अध्ययन में हमारी सहायता करें, हम सभी आपके प्रिय बच्चे बने। ध्यान का विरल स्रोत जिसमें हो बहता,
जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, किसी को बनाने में जो स्वयं मिट जाता, वो ऐसा ज्ञान का भंडार है जिस पर हर निष्ठावान का अधिकार है, जिस पर हर निष्ठावान का अधिकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रारूप है वह गुरु, धरती पर हमें देव स्वरूप है वह गुरु, धरती पर हमें देव स्वरूप है। धन्यवाद। जीवन एक चुनौती है, हार जीत होती रहती है, लेकिन कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। इन्हीं भावों को लेकर आ रहे हैं आयुष्मान कुशवा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नदी चींटी सब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर सब बार फिसलती है, मन का विश्वास अंगों में साहस बनता है। चल कर गिरना गिर कर चलना ना बनता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है सुधार करो। जब तक ना सफल हो नीचे को क्या बोलो, संघर्षों का मैदान झेल मत भागो तुम, कुछ करे बिना इज्जत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नारी के आत्मगौरव को प्रकट करती हुई कविता के साथ आ रही है आरोग्या पाटीदार। गर्व है मुझे मैं एक नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं और जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। गर्व है मुझे मैं एक नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। धन्यवाद। है भाषाएं भारत की, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन न छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम न रूठे। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन न छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम न रूठे। जाना है सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोचो जरा हट के रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको
सुनना होगा हिंदी में। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में। तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जो कर दे सबको एक वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। उठने भी देरी हो गई थी ना, इसलिए मुझे कक्षा में आने में भी देरी हो गई। चलो आज तुम्हें मैं कक्षा के अंदर बैठने दे रही हूँ, पर अगली बार से लेट मत होना। ओके मैम सॉरी, अगली बार से ऐसे नहीं होगा। चलो बच्चों, मैंने आप सबको बोला था ना कि आज मैं परीक्षा लेने वाली हूँ, सब अपनी पुस्तकें बंद कर दो और जिन बच्चों को परीक्षा नहीं आती वो कक्षा के बाहर चले जाओ। शिनचैन तुम कहाँ जा रही हो मुझसे बिना पूछे? नहीं, वो आप ही ने बोला था कि जिन बच्चों को भी परीक्षा नहीं आती है वो कक्षा के बाहर चली जाए, इसलिए मैं कक्षा के बाहर चल रहा था। चलो कक्षा के अंदर आओ। पर मैं, मुझे परीक्षा देना नहीं आता है। तुम बाहर ही जाओ। चलो शिनचैन अंदर आ जाओ। ओके मैम। अब सब बच्चे मुझे सूरजमुखी के फूल का चित्र बना के बताएंगे। पर मैं, मुझे सूरजमुखी के फूल का चित्र बनाना नहीं आता है। तो तुम्हें क्या आता है? मुझे मेरी पसंदीदा नाटक एक शिक्षाविद के चित्र बनाना आता है। ठीक है बनाओ। ओके मैम। ओफो, मैं शिनचैन से परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं इसकी माँ को कॉल करती हूँ। शिनचैन इधर आना। बोली मैम, आपने मुझे अचानक से कक्षा के बाहर क्यों बुलाया? शिनचैन मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करके रहूंगी। नहीं नहीं मैम, प्लीज मेरी मॉम को कॉल मत कीजिएगा, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेगी। ठीक है समझाओ। मैं शिनचैन की मॉम को कॉल करके रहूंगी। सुप्रभात, मैं शिनचैन की टीचर योशिनागा मैम बोल रही हूँ। अरे बस आज आपने कैसे कॉल करा, कुछ शिनचैन ने शरारत कर लिया? शिनचैन आजकल बहुत मस्ती करता है, उसने आज परीक्षा भी नहीं दी और आज वो लेट भी था। अच्छा ठीक है, मैं उसको समझा दूंगी जब वो घर आएगा। बहुत दरवाजे खुली, मैं घर आ चुका हूँ। आ रही हूँ, रुको। ओके वो आ जाओ अंदर शिनचैन। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरा नाश्ता बना दीजिए। पहले तुम कपड़े बदल के आ जाओ, फिर मैं आती हूँ। ओके मैम। अच्छा तुम्हें पसंद है, एक चुटकी भी देखूंगा। शिनचैन लो तुम्हारा नाश्ता। ओके मैम, इसे घर पे रख दीजिए। शिनचैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ढंग से बैठो। ओके मैम। शिनचैन आज तुम्हारी योशिनागा मैम का कॉल आया था, उन्होंने बताया तुम कक्षा में आज लेट पहुंचे थे और तुमने परीक्षा भी नहीं दी। आपको तो पता ही है ना कि मुझे जब कुत्ते भी देर हो जाती है तो मैं कक्षा भी देर से पहुंचता हूँ। हाँ मुझे मालूम है, पर तुमने परीक्षा क्यों नहीं दी? मुझे परीक्षा नहीं आती थी इसलिए मैंने परीक्षा नहीं दी। देखो शिनचैन, अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। बस मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रही हूँ, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तुम्हें जब बड़े लोगों का आदर करना है और अपने दोस्तों से प्यार से बात करनी है और उनसे झगड़ा नहीं करना है। अगर तुम सबसे ऐसे बात करोगे तो तुम्हारे देखना कैसे दोस्त बनेंगे। ओके मैम, अब मैं सबका आदर करूंगा और अपने दोस्तों से अच्छे से बात करके अच्छे बच्चे बन के दिखाऊंगा। हमें भी अपने बड़ों एवं माता पिता का कहना मानना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय शीला देवरा मैम को कि वह मंच पर आकर अपने
विचार प्रकट करें। सो उत्तराधिकारियों के साथ स्वागत कीजिए। हिंदी की महिमा बड़ी, सब भाषा का मूल, इसमें है अक्सर अपनत्व, सब सीखे सब निज मूल। विद्यालय की सम्मान्य प्राचार्य सिस्टर मरीन हैरिस, उप प्राचार्य सिस्टर सरीन, हसमुख व्यक्तित्व की धनी केजी इंचार्ज सिस्टर विनिया, समस्त शिक्षकगण तथा हिंदी दिवस के समारोह में उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह अवसर हम सभी के लिए विशेष है क्योंकि हम 14 सितंबर हिंदी दिवस मना रहे हैं। यह दिन न केवल हमारे देश की राजभाषा हिंदी का सम्मान करने का है बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे हिंदी ने हमारे देश की विविधता में एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 14 सितंबर सन 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, तब से इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज का दिन हमें अपनी भाषा पर गर्व करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे देश की पहचान हमारी भाषा से जुड़ी हुई है। हिंदी भाषा न केवल एक संचार का माध्यम है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और विचारधारा का प्रतीक भी है। आज हिंदी न केवल सरकारी और प्रशासनिक कार्यों की भाषा है बल्कि वह शिक्षा, विज्ञान और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रही है। अनेक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हिंदी माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है जिससे छात्रों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। और विदेशी भाषाओं का आज के समय में जब हम वैश्वीकरण और विदेशी भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है हमें हिंदी बोलने और सीखने के लिए अग्रसर होना होगा। अपनी मातृभाषा में सोचने और बोलने की क्षमता हमारी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ तथा मुझे इसकी विपुल एवं विविध धरोहर पर गर्व है। मैं इसके योग्य बनने के लिए सदैव प्रयत्न करती रहूंगी। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों एवं बड़ों का सम्मान करूंगी तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगी। दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं हम विद्यालय के फादर जेका मेयर पर के आभारी हैं जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान करा। हम विद्यालय की प्राचार्य आदरणीय सिस्टर मरीन हैरिस, उप प्राचार्य सिस्टर सरी, पीजी इंचार्ज सिस्टर विनिया रोज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें प्रोत्साहित करा और यह सुनहरा अवसर प्रदान करा। हम आदरणीय आस्था मैम, सुनीता मैम, शीला मैम और रोहिणी मैम के आभारी हैं जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संभव हो सका। हम आदरणीय दीना मैम, हिमांशी मैम और अर्चना तिवारी मैम के विशेष रूप से आभारी हैं जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव हुआ था। अब आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना और देखा। अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि इस हिंदी दिवस हम प्रण लेते हैं कि हम हमारी मातृभाषा के प्रति गर्व और सम्मान व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।